हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवे एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है एक पे कमीशन। वेतन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, फाइल हुआ तैयार। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली के आसपास एक बड़ा सौगात देने की योजना बना रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के जो है बाद अब एटवें पे कमीशन, जो वेतन कमीशन को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से उनके वेतन में जो है महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में और इसकी जो है बात करें गठन की प्रक्रिया में और इनकी जो है फाइल लगभग पूरी हो चुकी है। अब इसमें जो है अनुमान है कि आयोग का गठन 2025 में होगा और इसकी सिफारिशें 2026 में लागू हो सकती है। यह समय सीमा सातवें वेतन आयोग में मेल खाती है, जिसकी सिफारिश 2016 में लागू की गई थी और इसके लागू होने पर 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, आठवें वेतन आयोग कर्मचारी की सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा। केंद्र सरकार हर 10 साल में जो है अपने कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन करती है, जिसमें विशेषज्ञों की एक समिति महंगाई, आर्थिक स्थिति और खर्च जैसे विभिन्न कारकों का विश्लेषण करती है। इसके आधार पर समिति जो है सरकार को वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए सिफारिशें सौंपती है। बात करें मीडिया रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग, आठवें वेतन आयोग लागू होने के लेवल एक का वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है, जबकि लेवल 18 के अधिकारियों का वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन योजना UPS के तहत पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार की यह योजना कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बेहतर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। तो बात करें आठवें वेतन आयोग बढ़ सकता है न्यूनतम और अधिकतम वेतन। आगामी आठवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक वेतन मैट्रिक्स 1.9, तो बात करें 9-2 के फिटमेंट्स फैक्टर पर आधारित होगा। सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल एक के कर्मचारियों का वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जिसमें आठवें वेतन आयोग के तहत 34,560 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। उच्चतम वेतन की बात करें तो कैबिनेट सचिव की पद पर लेवल 18 के लिए वर्तमान में अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये, यदि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर्स 1.92 लागू होता है तो यह अधिकतम वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। और इसमें बात करें वेतन संशोधन, तो सरकारी कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो कि उनकी जीवन शैली में सुधार लाने और महंगाई से निपटने में मदद करेगी। तो दोस्तों, तो बात करें आठवें वेतन आयोग के बाद पेंशन की गणना, जानिए कैसे होगा पेंशन तय। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के तहत जो है पेंशन की मांग की बात करें तो
तो यूपीएस के तहत पेंशन की गणना सेवानिवृत्त से पहले के 12 महीनों के औसत मासिक वेतन के 50% के आधार पर की जाएगी। 2004 में नियुक्ति हुए कर्मचारी 2029 में सेवानिवृत्त होंगे और अगर जो है आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है, जबकि अधिकतम वेतन 4.8 लाख रुपए होने की उम्मीद है। साथ ही जनवरी 2029 तक कर्मचारियों को 5 महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर प्रत्येक संशोधन में डीए में 4% की वृद्धि होती है तो कुल 20% की वृद्धि होगी और इस प्रकार 34,560 रुपये की मूल वेतन के साथ 20% डीए के रूप में 6,912 रुपये जोड़े जाएंगे, जिससे कि कुल वेतन 41,472 रुपये हो जाएगा। पेंशन की गणना मूल वेतन और डीए के 50% के आधार पर होती है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों को लगभग 20,736 रुपये पेंशन मिलेगी। वही 4.8 लाख रुपए के अधिकतम वेतन वाले कर्मचारी के लिए डीए यहाँ पे 96 यहाँ पे दोस्तों रुपए होगा, यानी जिससे कि उनकी पेंशन लगभग 2,88,000 रुपए हो सकता है और यह पेंशन राशि उनके अंतिम वेतन के 50% पर आधारित होगी जो कि जनवरी 2029 में लागू होगी। अपडेट में लगातार बने रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।